आईयूपीएसी नेम ऑफ मेटा क्रिसॉल इज, क्रिसॉल क्या होते हैं, ये तीन कंपाउंड के नाम आप याद कर लो, ये कॉमन नेम है सारे। ओ एच के बगल में सी एस थ्री लगाओ यहाँ पे ऑर्थो पे, तो उसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसॉल। और ये कंपाउंड है मेटा क्रिसॉल, ये नाम कॉमन नेम याद रखना। और ये कंपाउंड है पैरा क्रिसॉल, ये नाम आपको याद रखने। तो मेटा क्रिसॉल का आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 3-मिथाइल फिनॉल, है ना। देखो फिनॉल जो है ना, फिनॉल ये आईयूपीएसी नेम ही है, फिनॉल फिनॉल आईयूपीएसी नेम है, आप इसके रिस्पेक्ट में नाम लिख सकते हो। तो 3-मिथाइल फिनॉल हो गया ना ये, वन फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप से काउंट करोगे ना, वो अच्छा वो फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से शुरू करोगे। तो 3-मिथाइल फिनॉल, 1 इज द आंसर। फिर इसका ग्लिसरॉल, अब ग्लिसरॉल की अगर स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो उसका आईयूपीएसी से नेम लिख नहीं पाओगे। ग्लिसरॉल ये होता है, स्ट्रक्चर याद रखना ग्लिसरॉल की, बाकी तो अच्छा लगा दो बस। ठीक है, दिस इज ग्लिसरॉल, इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं, ग्लिसरीन कह लो चाहे ग्लिसरॉल कह लो, एक ही बात है, ये कॉमन नेम है। एक ग्लाइकोल होता है, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल ये होता है CH2H, CH2H, ग्लाइकोल दो कार्बन वाला है, डाइऑल है, ये ट्राइऑल है, ग्लिसरॉल। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ठीक, नेक्स्ट, अब आपको इनके मैच करना है। ये क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है बताओ, अभी किया, ऑर्थोक्रिसॉल है ना ये, तो डी लग जाएगा, ऑर्थोक्रिसॉल है ना। ओके, दिस इज कैटिकॉल, इसका नाम याद रखना कैटिकॉल। ये डाइऑल्स जो होते हैं ना फिनॉल में, इसके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कैटिनॉल, सॉरी कैटिकॉल, दिस इज कैटिकॉल। और मेटा वाले को कहता है रिसॉर्सिनॉल, ये रिसॉर्सिनॉल है, कॉमन नेम कैटिकॉल रिसॉर्सिनॉल, ये होगा कैटिकॉल। और क्विनॉल, ये है क्विनॉल, क्विनॉल या इसको हाइड्रो क्यूनॉन भी कहते हैं, हाइड्रो क्विनॉन। तो इनका तीनों के नाम यार, कैटिकॉल रिसॉर्सिनॉल हाइड्रो क्विनॉन या क्विनॉल। फिर ये तो एनिसोल, इसका नाम याद रखना है, एनी सोल, मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, दिस इज मिथॉक्सी ग्रुप, एनी सोल। फिर एक है फिनिटोल, ये इसको बोलते हैं फिनिटोल। ओके, इथॉक्सी लगा दिया तो फिनिटॉल हो गया, दैट्स इट।